बसा लो हृदय में हनुमान को, सब छोड़ दो उन पे, कहो हनुमान से सब राम, कहो हनुमान से सब राम, सीता राम हो जाए। हृदय में बस गए श्री राम तो हनुमान हो जाए, चरण में रख दिए जब माथ, चारों धाम हो जाए। हनुमान जी को उनकी शक्तियां भूल गई थी, एक साधु के द्वारा उन्हें श्रापित किया गया था, जिसके अंतर्गत यह हुआ कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ स्मरण नहीं रहेंगी जब तक कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियों के बारे में कोई दूसरा स्मरण नहीं करवाता है। तो क्या कथा है उसके पीछे और किन साधु के द्वारा यह श्राप दिया गया था और क्यों दिया गया? क्या है कि काफी मतलब चंचल प्राणी, उसका जो है प्राकृतिक स्वभाव है उसका, उदम करते थे बलशाली, भाई जहाँ बल और उदम तो फिर तो दोनों एक दूसरे से हुड़ लगाते हैं कि बल बड़ा है कि उधम बड़ा है। तो ये उधम इतना करते थे कि पता चले कि ऋषियों की झोपड़े ले जाएं उठा करके समुद्र में फेंके आए, कोई ऋषि बैठे ध्यान में ये पीछे से जा रहे हैं उनको उठा करके ऊपर करते हैं फिर नीचे करते हैं। तो ने माता के ऋषि से छेड़खानी कर दी, अब तपस्वी हैं, उन्हें गुस्सा आ गई। गुस्सा क्या आ गई, माया की लीला को वो भी जानते थे, सच्ची बात तो ये है, वो सब सा क्या आएगी भगवान के ऊपर किसको आएगी, वो जानते थे। उनने कहा ये बल जो है इसका जो बांध के रखना होगा, जब इसकी आवश्यकता होगी जैसे बांध को बांध दिया और जब पूरे गेट खोल दो बांध के, तो वो जो सैलाब होता है जल का, वो जो है लोग देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं, उसका इतना प्रचंड रूप होता है। तो उनको उनके बल को उनकी बुद्धि को उनकी शक्ति को श्राप के रूप में मर्यादित कर दिया कि जाओ जो कुछ तुम्हारे जितने अंदर बल शक्ति है विद्युत है सब तुम भूल जाओ। तो मतंग ऋषि के द्वारा इनको श्राप मिला था। और तब फिर जब जामवंत ने यहाँ समुद्र पार करने उदाधिक्रम करने के लिए इनको स्मरण दिलाया कि हनुमान तुम तो सब कुछ कर सकते हो, जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत सबसे बुजुर्ग थे सेना में इनके साथ में, और उन्हें सारा ज्ञात था और उनको बताया गया था कब इनको इनकी शक्ति का ज्ञान करवाना है। जब वहाँ पर दक्षिण में सब पहुँचे तट के किनारे भारत भूमि के, तो वहाँ पर जो है समुद्र किनारे सब लोग बैठे, उसके आगे उनको रास्ता नहीं दिख रही थी, तब सब लोग सोचते हैं भाई ये समुद्र पार कौन जाएगा। जामवंत बोलने के बोले मैं जब जवान था तो मैं 3 चक्कर एक सांस में लगा लेता था सूर्य भगवान के, और मेरे को सूर्य की लपट भी मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालती थी। अंगद जी से बोला, अंगद जी युवराज थे वो, उन्हें बोले भैया मैं जा सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता, चला तो जाऊँगा मैं लंका लेकिन आने की गारंटी नहीं। अरे तो भैया आप युवराज हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते, भाई मैसेज लौटना भी चाहिए और आप युवराज हैं, पर हम आप गए तो हम लोग का क्या मतलब। तो उन्हें हनुमान जी कहाँ हैं भाई, तो हनुमान जी कोने में अपने आराम से बैठे थे, कभी अपनी शक्तियों को भूले हुए तो अपने सीताराम कर रहे हैं, बस एक मालूम कि हमें सीताराम करना है। तब उनको याद दिलाया गया कि आपके अंदर तो आप तो सूरज को निकल गए, आप तो ऐसा कर सकते हैं, आपसे कौन सी बड़ी बात है, लंका को तो आप जड़मूल से उखाड़ लाओ, सब चीज़ तब उनको याद आती है। तो जामवंत ने बताया कि तुम्हारा जन्म केवल राम काज के लिए हुआ है। तब इन्होंने कनक भूतराकार शरीरा, जैसे ही इनको याद दिलाया तो ये विशाल काय हो गए। बोले बताओ क्या करना है, लंका उठा के लाना है, अकेले नहीं केवल तुम्हें पता करके आना है। जैसे ही उनको याद दिलाया कि ऐसी ऐसी बात है, आप तो बल के बुद्धि के सागर हैं, आप अष्ट सिद्धि और नवनिधि के आप जो है महान स्वामी हैं आप, और आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, तब उनको याद आता है तो अपना तुरंत बहुत विराट रूप धारण करते हैं और वहाँ पे एक पर्वत रहता है उसमें खड़े होते हैं, और जैसे ही जय श्री राम का नारा लगा के जयकार लगा के जैसे ही वो छलांग मारते हैं तो वो उनके प्रत्युवेल से प्रत्युबल होता है, जो प्रत्युबल न्यूटन का नियम है गति की विपरीत है ना, तो उनके प्रत्युबल से वो पहाड़ जो है जमीन में घुस गया, गड्ढा हो गया वहाँ पे, और न छलांग भरी और एक फिर सब दुनिया जानती है कि उनने समुद्र में क्या घटनाएं हुई उनके साथ।